हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने 2 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें फंदे डाल लीजिएगा। जितने भी आपको फंदे डालने हैं आप डाल लीजिए। देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है। पहली सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सेकंड रो है। इसमें देखिए, अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमने वैसे ही बनाना है। ये देखिए, स्टार्टिंग के जो हमारे 3 फंदे हैं, ये हमारे फंदे सीधे हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे ये सीधे बनाएंगे, ये हमारे सीधे फंदे हैं, धागा आगे। जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाना है, जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है। पूरी सिलाई को हमने ऐसे ही बनाना है। देखिए, सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो भी हमने ऐसे ही बनानी है और फिर फोर्थ रो को भी वैसे ही बनाना है हमने, और फिफ्थ रो को भी और सिक्स्थ रो को भी। 4 सिलाई हमने और ऐसे ही लगानी है। जो सीधा है उसको सीधा ही बनाना है और जो हमारा उल्टा है उसको उल्टा ही बना के कंप्लीट करना है। इसको मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, धागे को पीछे करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा 3 होल है, 1 2, देखिए फ्रेंड्स, 3 वाले होल में से एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, दो फंदे ये सीधे बनाएंगे, फिर से देखिए, ये 1 2 3 वाले होल में से एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे, फिर से ये 3 होल में से हम एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से, दो फंदे ये सीधे बनाएंगे, फिर से ये देखिए, ये जो हमारा 1 2 और ये 3 वाले होल में से एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे इस तरीके से, दो फंदे सीधे, फिर से तीसरे होल में से एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, लास्ट के फंदे को भी हम उल्टा ही बना लेना है। देखिए, ये हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब देखिए, इसे हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे। अब देखिए, जो ये हमने फंदा ये होल में से बनाया था, एक फंदा जो हमारा फंदा ये वाला है, इसको स्लिप करेंगे और ये दो फंदे इनको उल्टा बनाएंगे, फिर से ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से धागा आगे, ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर से
इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर से इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे और हमारा जो लास्ट वाला फंदा है इसको भी सीधा ही बना लेंगे। देखिए अब हम ये राइट साइड आ गए हैं। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। अब देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे ही जो हमने एक्स्ट्रा नीचे से बढ़ाए थे, ये वाले देखिए, ये वाले और जो दो फंदे हमारे ये सीधे हैं, ये देखिए, इन चारों को हम एक साथ बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए चारों को एक साथ पीछे के साइड से बुन लेंगे, फिर से एक बार फिर से। अब जो हमारे ये दो फंदे हैं बड़े हुए, इनको हम घटाएंगे तो इस तरीके, इस साइड से एक बार हमने बैक साइड से बनाना है और एक बार हमने फ्रंट से बनाना है। चार फंदों के दो फंदे बनाने हैं हमने। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, इन चारों फंदों को फिर से एक साथ लेंगे और ये चारों का हम दो फंदे बनाएंगे। चारों फंदों के हम दो फंदे बनाएंगे। जो हमारे दो फंदे ये बड़े हुए हैं इनको घटाएंगे और फिर आगे के साइड से बनाएंगे एक फंदा इस तरीके से। ये देखिए फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, फिर से इन चारों फंदों को एक सिलाई में लेंगे इस तरीके से और बैक साइड से एक फंदा बनाएंगे, फिर हम आगे से इस तरीके से सिलाई को लेंगे और एक फंदा और बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, लास्ट फंदे को भी हम इस तरीके से ही उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब इसमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाना है, पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बनाना है। जो फंदे उल्टे हैं उनको आपने उल्टा बनाना है और जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाना है। चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, मैं ये राइट साइड आ गई हूँ। देखिए जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाने हैं। जिस तरीके से हमने ये वाली सिलाइयाँ बनाई थी, फोर सिलाइयाँ, वैसे ही आपने यहाँ से फोर सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करना है। फिर आपने इसी तरीके से डिजाइन को डालना है, इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है, फोर सिलाइयाँ बीच में डालते हुए और फिर आपने डिजाइन को डालना है। चलिए मैं ये फोर सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने फोर सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद देखिए धागा पीछे, दो फंदे ही आपने उल्टे बना लेने हैं। अब देखिए जो हमारा ये 1 2 3 3 वाला होल है, इसमें से एक फंदा बनाना है इस तरीके से और दो फंदे ही सीधे बनाने हैं। फिर से ये देखिए, ये थर्ड वाले होल में से एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से, धागा आगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे, ये थ्री वाले होल में से एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर से एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से, धागा आगे, इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है। देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे
और जो फंदे हमने ये हमारे ये बड़े हुए फंदे हैं इनको हम स्लिप करेंगे, सॉरी धागा आगे, इसको स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर से ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और दो फंदे उल्टे, फिर से ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, देखिए ये वाला फंदा स्लिप करेंगे और फिर ये लास्ट के फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे हम इस तरीके से। अब देखिए धागा पीछे, अब जो हमारे ये बड़े हुए फंदे हैं इनको हमने चारों को एक ही सिलाई में लेंगे इस तरीके से, चारों को इनको हमने यहाँ पे घटा देना है इस तरीके से। अब देखिए आगे की साइड से चार फंदों के दो बनाएंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, चारों फंदों को इस तरीके से लेंगे, बैक साइड से एक फंदा बनाएंगे, फिर हम आगे से एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए धागा आगे और दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा है इसे भी उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इसी तरीके से आपने ऊपर भी इसी तरीके से बनाते जाना है, इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं, जेंट स्वेटर में बनाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।